दोस्तों नमस्कार। जब हम ब्लाउज बनाते हैं तो इस प्रकार की जो समस्या जैसे फुलान आना, रिंकल आना, ये बड़ी आम बात है। इसका मुख्य कारण वैसे तो आपको कटिंग में छुपा रहता है, अभ्यास की कमी या फिर सही टेक्निक से कटिंग नहीं करने पर आती है, मगर कुछ समस्याएं अलग होती है। जैसे ये समस्या सुनिए, यहाँ पर शोल्डर है दोस्तों 15 इंच और चेस्ट है 28 इंच। ये बहुत बड़ी समस्या है, इसका निवारण हम कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। अब दोस्तों एक हमारी सब्सक्राइबर ने एक डिमांड किया है, डिमांड क्या, प्रश्न पूछा था मुझसे कि सर मेरी बेटी का जो शोल्डर है 17 इंच है जबकि चेस्ट है मात्र 28 इंच, बहुत मुश्किल हो रही है मुझे बॉट ने ब्लाउज इसकी कटिंग करनी है। तो जो कुछ लोग नए हैं या फिर जो लोग बॉडी की मेजरमेंट से बनाना नहीं जानते वो लोग बिल्कुल सोचेंगे ऐसा कैसे संभव है, तो मैं आपको ये बता दूं दोस्तों बिल्कुल संभव है। किन्हीं किन्हीं लोगों का बॉडी जो रहता है उसका शोल्डर ज्यादा रहता है जबकि चेस्ट कम रहता है। तो ऐसी स्थिति में सपोज मैं बोट नेक का उदाहरण दे रहा हूँ, किस प्रकार से बनाएंगे। जैसे कि हमारे पुराने सब्सक्राइबर जानते हैं जब हम बोट नेक बनाते हैं, हम जब बोट नेक बनाते हैं या हाई नेक बनाते हैं तो क्या करते हैं, हम जो शोल्डर होता है, जैसे शोल्डर यहाँ पर 17 इंच है तो 17 का आधा लेते हैं, है ना, प्लस शोल्डर जितना भी रहता है तो उसका आधा लेते हैं, यहाँ पर हो गया 8.5 इंच का शोल्डर हो गया। अब दूसरी बात है दोस्तों यहाँ पर दूसरा मार्किंग करते हैं करीब 6.5 इंच पर, सपोज ऐसे। अब दोस्तों यहाँ पर इसकी समस्या ये है कि 28 इंच इसका चेस्ट है, अब चेस्ट का चौथा भाग आ रहा है, 28 का चौथा भाग आ रहा है 7 इंच, और उसमें 1 इंच अगर प्लस भी करते हैं बोट नेक में, क्योंकि 1 इंच प्लस करते हैं तो भी आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर ये है शोल्डर, ये है इसका चेस्ट, तो बड़ा अटपटा लगता है। यहीं से आप आपका यह होगा तो कहां पर हम कैसे काटेंगे, तो आपको एक चीज बता देता हूं दोस्तों, इसमें महत्वपूर्ण चीज है क्रॉस बैक। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार की जो मेजरमेंट होती है इसमें क्रॉस बैक लेना चाहिए। अब इसका कटिंग कैसे होगा, यहां पर हमने शोल्डर का आधा लिया, शोल्डर 17 इंच है उसका आधा लिया, यहाँ पर क्या किया, अपर चेस्ट का चौथा भाग प्लस 1 इंच। अब ये तो हो गया दोस्तों हमारा मेजरमेंट। अब देखिए क्रॉस बैक क्या होता है, क्रॉस बैक में होता है दोस्तों 28 मतलब अपर चेस्ट का डिवाइडेड बाई 8, मतलब अपर चेस्ट को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, तो 8 से डिवाइड करने पर ये हो जाएगा 3.5 इंच, मतलब 3.5 इंच मतलब 3.5 इंच, इसमें प्लस कर देंगे 3.25 इंच तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 6.25 इंच। तो ये 6.25 इंच इसका क्रॉस बैक हो जाएगा, तो देखिए 6.25 इंच कहाँ पर आता है, यहाँ पर। ये कितना तिरछा अंदर होगा देखो, समझने वाली बात है, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आएगी मुझे पता है। देखिए ये इस प्रकार से पूरा तिरछा हो जाएगा, और ये इसका मुख्य कारण है दोस्तों इसका बॉडी का स्ट्रक्चर, इस प्रकार से ये तिरछा हो जाएगा। अगर आप बॉडी का स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते हैं, आप कटिंग के चक्कर चेंज करने के चक्कर में बॉडी की स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते, तो इसका बोट नेक कुछ इस प्रकार से बनेगा। सपोज इसको बोट नेक चाहिए, 3.5 इंच का चौड़ाई देते हैं, तो इसका बोट नेक कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये देखिए बड़ा ही डिफरेंट हो जाता है दोस्तों कटिंग यहाँ पर, ये देखिए इसका कटिंग, देखिए इस प्रकार से कटिंग हो रहा है, और यहाँ पर हमें इसका जो राउंड है बिल्कुल कम आएगा। अब देखो इसका राउंड भी इसके हिसाब से आएगा, सपोज इसका आर्म होल आ रहा है 14 इंच, तो ये राउंड जो होना चाहिए 14 इंच आना चाहिए, कितना आना चाहिए 14 इंच, ये देखिए 14 से थोड़ा ज्यादा आना चाहिए, बिल्कुल परफेक्टली 14 से ज्यादा आ रहा है, ये देखिए। तो कहने का मतलब यहाँ पर जैसे कमर है, सपोज हम लंबाई को लेते हैं 14 इंच और कमर है मात्र 25 इंच, तो 25 का चौथा भाग होता है 6.5 इंच, 1 इंच का हम डांट देंगे, तो एक कटिंग कुछ इस प्रकार से होगी दोस्तों, ये देखिए। तो ये रहा दोस्तों जब शोल्डर 17 है और कमर 28 है, तो कहने का मतलब ऐसे है दोस्तों हम कटिंग में जो बॉडी का मेजरमेंट है उसमें चेंज नहीं करते, ज्यादातर हम बॉडी की मेजरमेंट से नहीं बनाते, और बहुत बार हम क्या करते हैं कई लोगों का ब्लाउज बना ही नहीं पाते हैं इसी वजह से। इसके बाद दोस्तों दूसरी बड़ी समस्या है कि पीछे की तरफ इस तरह से फुग्गा क्यों बनता है, चाहे पीछे की तरफ हो चाहे सामने की तरफ हो, ये बहुत बड़ी समस्या होती है। कई लोग जब कटिंग करते हैं तो यहाँ पर देखिए, मैं अपर चेस्ट की बात करूँ, सपोज यहाँ पर हमें एक ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं, है ना,
यहाँ पर मैं सामान्य उदाहरण दे रहा हूँ, बिल्कुल सामान्य उदाहरण दे रहा हूँ। अब वो लोग रखते कितना है, सपोज आपको बताता हूँ, यहाँ पर 5.5 इंच का रख देते हैं, 5.5 इंच का सपोज शोल्डर रख दिए। अब यहाँ पर कर देंगे हम सपोज 5 इंच पर हम यहाँ पर नापे, और 36 इंच मान लो किसी का चेस्ट है तो 9 चौक 36। अब क्या होता है दोस्तों, कटिंग करते वक्त इस प्रकार से उस वो लोग कटिंग करते हैं, ऐसे खींचते तो यहाँ पर सीधा है लाइन को, लेकिन इसकी कटिंग को पूरा इस प्रकार से ऐसे मतलब इतना ज्यादा गए इस प्रकार से काटते हैं, तो क्या होता है यहाँ का जो हिस्सा होता है पूरा कपड़ा ज्यादा हो जाता है, वही बहुत ज्यादा फूल जाता है। इसीलिए दोस्तों हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि ब्लाउज में बहुत सारी चीजों को नाप लेना पड़ता है, एक तो शोल्डर होता है, एक तो अपर चेस्ट होता है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक दोस्तों अपर चेस्ट होता है, इसका भी नाप जरूरी है, इसका फुल बस्ट का नाप जरूरी है। आप लोग दोस्तों सोल्यूशन पूछते हैं इसलिए बताया हूँ, लेकिन एक वीडियो में इन सब चीजों को क्लियर करना मुश्किल है। लेकिन ये जो कटिंग है दोस्तों यहाँ पर ये गलत है, कहने का मतलब ऐसा है दोस्तों इतना नहीं होगा, इसी कटिंग को हम क्या करेंगे थोड़ा सा इस प्रकार से करके इसको कम से कम ऐसे खांचा जाता है थोड़ा अंदर से करके, लेकिन इसका भी एक तरीका होता है सही तरीके से। अब दोस्तों आप ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में जो प्रॉब्लम बताई गई है वो एक्चुअली में बॉडी का प्रॉब्लम है। बॉडी जो है दोस्तों यहाँ पर इस महिला का जो शरीर है या पेट है कुछ ज़्यादा है, पेट जब ज़्यादा रहता है तो शोल्डर सही तरीके से फैल नहीं पाती है और इस प्रकार से रिंकल्स आ जाते हैं। और दूसरी बात दोस्तों इसके और भी कारण हैं जिसे यूट्यूब के जरिए समझाना थोड़ा मुश्किल है। तो ये छोटी सी कोशिश थी दोस्तों आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स को दूर करने की, आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।